हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। वहीं देश भर से लगातार ऑक्सीजन की कमी की जानकारी मिलने के बाद लगातार इसको लेकर के राज्य सरकारों पर नजर बनाई गई है और राज्य सरकारें केंद्र से सामंजस्य बनाकर अपने प्रदेश में ऑक्सीजन की आपूर्ति पूरी कर रही हैं और मौत जो इस दौरान हो रही है उसका आंकड़ा भी हर दिन के हिसाब से बढ़ रहा है। ऑक्सीजन को लेकर देश भर में मची हाहाकार ने ऑक्सीजन की जरूरत को इतना बढ़ा दिया है कि सरकारें पूरे जोर शोर से ऑक्सीजन की कमी को दूर करने में लग गई हैं। अंबाला के नागरिक अस्पताल में प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ने इस खतरे को शायद पहले ही भांप लिया था। यही कारण है कि यहां ऑक्सीजन प्लांट का काम लगभग पूरा हो चुका है जो एक दो दिन में शुरू हो जाएगा। वहीं इसके बारे में स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने बताया कि उन्होंने 6 जिलों के लिए ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट लगाने की मंजूरी दे रखी है जिनका काम चल रहा है। उन्होंने कहा कि उन्हें जिस तरीके से उम्मीद है कि अंबाला का जो ऑक्सीजन प्लांट है वो बुधवार तक तैयार हो जाएगा और बाकी जगहों पर भी युद्ध स्तर पर ऑक्सीजन जनरेटर लगाने का प्लांट चल रहा है। हमने तो पहले ही 6 जिला अस्पतालों में लगाने की मंजूरी दे रखी है और अंडर इंस्टॉलेशन है और अंबाला का जो ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट है वो उम्मीद है कल तक चालू हो जाएगा। बाकी जगह पर भी युद्ध स्तर पर उनको चालू करने की कोशिश की जा रही है। अब प्रधानमंत्री जी ने हर जिले के लिए वो प्लांट दिए हैं तो बाकी जिलों में भी उनको लगाएंगे और जल्दी चालू कराएंगे। और मेरा प्राइवेट अस्पतालों से भी आग्रह है कि उन्होंने इतने इतने बड़े अस्पताल बना रखे हैं, अपना अपना ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट भी लगाई है।